अभी अभी उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के एक नशेड़ी की अजीबोगरीब हरकत ने मेडिकल कॉलेज की डॉक्टरों की परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार रात को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचे एक युवक ने बताया कि शौच करते समय एक सांप ने उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लिया और उसी रास्ते पेट के अंदर घुस गया। युवक के शोरगुल और उसकी हालत को देखकर उसको भर्ती कर लिया गया। अगले दिन उसकी जाँच भी कराई गयी, लेकिन जाँच के दौरान उस युवक के पेट में कुछ भी नहीं निकला। दूसरे दिन उस युवक के परिवार वाले ने दूसरे जगह जाँच कराने को कहकर छुट्टी ले ली। आपको बता दें, इमरजेंसी में इस युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया तो पेट के दर्द से करा रहे इस युवक ने बताया, जब मैं शौच कर रहा था तब काले रंग के एक सांप ने मेरे प्राइवेट पार्ट पर काट लिया और उसी के रास्ते पेट के अंदर घुस गया। लेकिन जब डॉक्टरों ने उसके शरीर के सभी अंगों का ठीक से चेकअप किया तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने उसे भर्ती करके दर्द की दवा दी। लेकिन दूसरे दिन उसके परिवार वालों ने दूसरी जगह जाँच कराने को कहकर छुट्टी ले ली और उस युवक को घर लेके चले गए हैं।